दर्शकों, हम बात करने वाले हैं द्वितीय भाव में, यानी कि सेकेंड हाउस में स्थित जो सूर्य के फल हैं उनके बारे में। आचार्य जी, आपसे विवेचना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। द्वितीय भाव हमारे धन का भाव है। विशेषकर इस भाव से हम धन को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं, साथ साथ हमारी वाणी का भी भाव है द्वितीय भाव। और सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, सूर्य जिन्हें वैदिक ज्योतिष में राजा कहा गया है। आइए जानते हैं, राजा जब आपके दूसरे भाव पर बैठते हैं तो आपको क्या देते हैं। यदि सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो जाएं तो आपको समृद्धशाली बनाते हैं, लेकिन यह तभी होगा जब आप ईश्वर पर विश्वास रखें, अन्यथा इस भाव में स्थित सूर्य धन संचय की परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। इस भाव में स्थित सूर्य आपको कई कामों में दक्षता देते हैं। आप उम्र के साथ साथ आत्मनिर्भर होते हैं। यदि आपका रुझान चित्रकला की ओर होगा तो आप इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। सूर्य की यह स्थिति स्वयं के लिए अच्छे वाहन होने का भी संकेत करती है। आप सरकार से या सरकारी कामों से धन को प्राप्त कर सकते हैं। तांबा, सोना और अन्य धातुओं के व्यापार के माध्यम से भी आप बड़ा धन लाभ कमा सकते हैं। यहाँ स्थित सूर्य चेहरे या मुंह के रोग भी दे देते हैं। आपको चीज़ों को समझने और अपनी भावनाओं को सही ढंग से दूसरों के सामने रखने में कभी कभी परेशानी आती है। पारिवारिक संबंधों को लेकर भी मन असंतोष रह सकता है। आपके ननिहाल के पक्ष में विशेषकर मामा लोग बहुत समृद्ध होंगे। यह स्थिति आपकी बेटी के ससुराल के पक्ष की खुशहाली में भी संकेत करेगी। यदि आपने अपने खान पीन का उचित ध्यान नहीं रखा तो आपको अपच व उससे संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके बच्चे खुशहाल होंगे, लेकिन मध्यावस्था में जीवन साथी के स्वास्थ्य को यहाँ सूर्य प्रभावित कर देते हैं। ज्योतिष में सूर्य ग्रह का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्वरूप मानकर इसकी आराधना की जाती है। धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को तारों का जनक माना गया है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी बुध और शुक्र के बाद सबसे कम है। इसका आकार बहुत विशाल है। सौरमंडल में स्थित केंद्र में स्थित है और खगोलीय दृष्टि से सूर्य एक तारा है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में यह एक महत्वपूर्ण ग्रह है। इसे राजा कहा गया है और राजा की स्थिति आपको अगर अच्छी है तो धन भाव में राजा बना देती है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए।